हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। मैंने पूजा कर ली, अब नाश्ता बाकी है तो हम चलते हैं किचन में, देखते हैं मम्मी क्या कर रहे। मम्मी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। શું કરવા મળે અત્યારે? માં આજો માખણ બનાવ્યું ને? ઓહો, કાઢું છું, વાત છે, બહુ બઢિયા થઈ। ઓર નાસ્તો? નાસ્તો બાખરી માખણ દૂધ। ઓકે, और हमने नाश्ता कर लिया है और मम्मी तो काम भी है, उसका स्टार्ट कर दिया है। मेरा काम बाकी है तो चलो मैं फटाफट काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ मम्मी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करो पड़ा। यस, और चले फिर हम काम करके फ्री हो गए और यहाँ पे मम्मी बैठ गए भगवान का पुस्तक लेकर। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। और मैं और पापा जा रहे है खेत पे, यहाँ पे पापा भी रेडी है गाड़ी लेकर, मेरी राह देख रहे है। जय स्वामीनारायण। चलिए, और दो तीन दिन से बारिश शुरू है और देखते हैं क्या हाल है खेत पे। चलिए हमारे साथ बने रहिए। और मैं और पापा गए खेत पे और देखते हैं क्या साग भाजी मिलता है। हमने घिसोड़ा मिला है, छोटा वाला है, गेंदा का छोड़ है, उसमें कितना बढ़िया फूल आता है, बाद में उसमें सींग आती है। कितना मस्त कलर है फूल का। चलो मैं भी पापा को हेल्प कराती हूँ थोड़ी सी। ये अगुआर भी है, थोड़ी सी गुवार की है, तुम उतार लेते हैं। और ये चिबड़ा का वेला है, उसमें चिबड़ा तो नहीं है, सिर्फ वेला ही। अभी तो धूप नहीं आया ना, इसलिए नहीं है। धूप आए तो ही उसमें फाल बेचता है ना। हाँ, तो सीबड़ा आवे, तो सीबड़ा आवे, तड़को पड़े ना पछी आमा सीबड़ा आवे। अत्यारे बहु वरसाद हिसाब है, फूल है ना करमा जाए, खरी जाए, सीबड़ू बेहे नहीं। फाल नो बेहे, पास तड़का पड़े ना, એટલે પાછી સીબડા આવશે પાછા આવે। હા, વરસાદથી વેલા બધા હારા થઈ ગયા આવે। और यहाँ पे है चिबड़ा का दूसरा वेला है। चिबड़ा है। हाँ, पापा को मिला पूरा चिबड़ा एकदम। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे दूसरा चिबड़ा मिला है। एकदम कोना बढ़िया सा चिबड़ा है। वाह, यहाँ पे पाका चिबड़ा पापा पाके गयो। ये जो 4-5 दिन वार से, अजी वार से, ये पूरा काचू से या से ना पाकी जुसे। हां, पाकी है ना, अडिट तो खरी जु। हां, दादा टुकड़ा खरी जाए ना, अडवी ने तो अडिट खरी जाए ना। हां, इचे पूरा पाकी जु है। ओके। हां, ने अडिट तोड़ा ही नहीं। हां, अगर मैं उतरी अडिट निकल जाए ना, એટલે इचे पूरा पाकी जु। तो जाने लेवानो छे, अगर काचू है ना। अगर काचू है। कितना बढ़िया हमको चिबड़ा भी मिला है और कितना गारा है, बारिश की वजह से मैं पा रहे हैं, कुछ काम था इसलिए पापा वहां पे गए थे और मैं यहां पे खड़ी थी, पर बहुत धूप है इसलिए चलो हम फटाफट आगे जाते हैं। जय स्वामीनारायण। मेरे बापूजी की वाड़ी है, चलिए हम अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया है और बलद भी रखते हैं। हाँ, आगे का व्लॉग में मैं दिखाया था, मेरे बड़े भैया है उसकी खेत है। चलो हम सारी खेत देखते हैं। यहाँ पे गाय भी रखते हैं, कितनी बढ़िया है। यहाँ पे कुआ है, पानी है इसमें। ओह, ऊपर है पानी तो इसमें। पुराना कुआ है, 70 साल पहले 100 साल पहले दादा ने हुई ना अपने गौटिया। पहला ये काम करता, पछी एना वाड़ी मोटा वाला व्यापार वाणिया व्यापारी पे हसे ली पे थी लीधी। और यहाँ पे आप सब देख सकते हो 150 साल पुराना कुआ हमारा।
यहाँ पे कोस चलाते, मैं तो देखी तो नहीं है कैसे कोस चलाते, पापा बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोस चलाते थे। कोस चलाते मोटरों के कुआ मशीन नोता मोटर बोट आता ना बेहतर थी तड़ वगैरह पीत था तो बहुत बार लगती है पानी बारू काटवा आप सब देख सकते हो कितना पुराना हमारा मकान है। मैं छोटी थी ना तब मैं यहाँ पे आती थी और कितने समय से मैं भी नहीं आई हूँ। वो यहाँ पे रूम है उसमें अब गाय के लिए चारा उसमें भरा है। यहाँ पे डेट भी है 1981 है और कितनी बढ़िया नाड़ियारी है और यहाँ पे गोडाउन है। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है फार्म जैसा ही है। फार्म है हाँ फार्म ही है फार्म ही बोल सकते हो। हाँ खातर बोलते हो गोबर है वो गाय का गोबर है। और ये गोबर का क्या करते हैं हम खातर है खातर है और खेतर में डालते हैं। अच्छा पाक आता है बहुत बढ़िया पाक आता है उसको देसी खातर बोलते है। सिंह है कितनी मस्त है इतनी मस्त तो होगी ना क्योंकि आप सबकी मेहनत इतनी है ना इसमें बहुत बढ़िया मेहनत के बिना कुछ नहीं होता ना। हाँ। भैया ने वड़ा भी रखा है मेरे लिए सेक कर रेडी किया है। चलो हम खाते हैं। यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा खड़ हो गया इसलिए निकालना पड़ता है वरना तो सिंग अच्छी नहीं होती इसलिए। धूप नहीं लगती आपको है ना गर्मी बहुत गर्मी है और यहाँ पे रिंगणी है कितनी बढ़िया है और यहाँ पे सारी सब्जियां लगाई है भैया ने और ये करेले का वेला है हर रोज पापा घर पे लाते हैं ना वो करेले का वेला है। चलो मैं दिखाती हूँ उसमें करेला होता है तो या बहुत बढ़िया है छोटा वाला है एकदम मैं दिखाती हूँ जो बहुत बढ़िया करेला भी है इसमें कितना बढ़िया है। सबको कितनी मेहनत करनी पड़ती है गाय के लिए घास भी निकाला है और गाय को घास चारा डालने जा रहे हैं। गाय को तो कितना अच्छा लगता है घास खाना। सबको ही अच्छा खाना ही अच्छा लगता है सबको। गिर गए है उसका दूध है उसकी चाय बन रही है नकरा दूध की चाय है। आराम करेंगे और चाय पानी पियेंगे सब लोग आ रहे हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे सब लोग बैठ गए चाय पीने के लिए। चा केक बने भी मस्त बने हरी बने भी छोकरी खाई मी इलायची वाली चाय बना शु बात छे नकरा दूध नी चाय एटला मस्त लागे ने બાર તેર વર્ષ તા માણસો આયા છે એટલે પછી આપણો બધી રોટી આવડી ગઈ હા આવડી જ ગઈ એટલે વસ્તુ બધી સ્ટાન્ડર્ડ બનાવે વસ્તુ સારી બનાવે ઓ ડિંગલી જા રહી સ્કૂલ પે ટાટા સાયકલ લેકર જા રહી બહુ સ્કૂલ દૂર હે યહાં સે ઇસલિયે ચાપી તો કોટો ચડી ગયો ઓ ચડી ગયો અરે ચા બહુ મીઠી લાગે હા એ તો છે જ ને વાડી લુચ્ચા શ્રમ કર્યો હોય ને એટલે ચા મીઠી લાગે મજા
चा पानी बने। चलो और बाजू में दूसरे भैया है पंकज भाई, ने पहली बार में मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो बाजू में उसकी वाड़ी है बगल में है और मुझे बुला रहे हैं कि यहाँ पे आओ, तो चलो हम उसकी वाड़ी पे जाते हैं। पे तुलसी माला लगाया है भैया ने, बहुत बढ़िया है। और इसका भी देखिए कितना जुगाड़ लगाया इसमें, यहाँ पे सब साग भाजी है। पंकज भाई जय स्वामीनारायण, केम छे तबियत? बस रेडी हो, तो वांधो नहीं। और यहाँ पे पक्षी का माला भी लगाया है भैया ने। दूधी आती है ना उसको एक प्रकार दूसरा भी आता है, तुमड़ा बोलते हैं उसको, और उसका माला लगाया है यहाँ पे बनाकर, पक्षी का घर है। और यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे सब्जियाँ लगा रहे हैं। चलो मैं दिखाती हूँ, खड्डा खोदना पड़ता है, उसमें मूला के बीज डालते हैं, वापस उसको ढकना पड़ता है, इस तरह से सब्जियाँ लगाते हैं और बड़ी होती है। ये हमारे पंकज भाई की वाड़ी है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सारी सब्जियाँ है। वहाँ पे दूर पप्पा और पंकज भाई बैठे हैं, यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं और पापा आ गए वापस खेत से। बहुत दुख थी नहीं पापा, तड़को भारी तड़को जो है ना, मैं देखी मैं आके लाल लाल हो गई हूँ। यस जो ने तुम्हारे सामने उभा जाओ, मैं बहुत मजा आई हो, तड़को क्यों लाई तड़को ही बहुत जो ना आके लाल लाल देखी टमाटा जो भी हूँ लाया वाड़ी थी सब्जियाँ चिपड़ा और आज भी हम पाको चिबड़ा लाए, आज तो मैंने उतारा है सब्जियाँ। और आप क्या कर रहे हैं किचन में? जो लोड बांधो अने शाक सुगर बिना ओके। और आज भिंडी की सब्जी बनने वाली है ना? हाँ। यहाँ पे मम्मी ने रोटी काटा भी गूंद लिया है, बहुत भूख लगी है मम्मी, तैयारी करू सो काम तो कुछ नहीं किया फिर भी भूख लग रही है मम्मी, खाधु ना तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी पक रही है और यहाँ पे मम्मी रोटली बना रहे हैं। देखिए मम्मी की रोटली फूल कर दरा जैसी हो जाएगी, नहीं फूली 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 फूले तो खरीदने गए, वाह फूली और रोटली मम्मी ने। रोटी और सब्जी बन गई है तो मैंने भगवान का थाल रेडी कर दिया है, भिंडी की सब्जी और रोटी है और साथ में ठंडी छाछ है और चिबड़ा की चीरू। और चलो मैं भगवान को थाल कराती हूँ, बाद में हम लोग खा लेंगे, बाद में आराम करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। मम्मी पापा गए मंदिर पे और मुझे थोड़ी भूख लगी इसलिए मैं आ गई किचन में, थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। पहले तो देखते हैं नाश्ते में क्या है। सुबह हम लाए थे चिबड़ू, पाको चिबड़ा लाए थे हम, तो देखते हैं मम्मी पापा खा गए हैं कि रखा है मेरे लिए। ओके वाह बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, यहाँ पे चिबड़ा है पाकर, चलो मैं उसको कटिंग करके खाने के लिए बैठ जाती हूँ। और बाद में मुझे वीडियो एडिटिंग करना बाकी है तो वीडियो एडिटिंग करना पड़ेगा इसलिए बाद में मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने चिपड़ा की कटिंग कर ली है और उसमें मसाला भी डाला है और बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है पाकर चिपड़ा की, तो मैं पहले खा लेती हूँ बाद में कंटिन्यू करती हूँ। मैं और मम्मी आ गए किचन में शाम की तैयारी करने के लिए। और आज हम क्या बनाने वाले हैं मम्मी? आज हमने पालक बाजरी ना लोटना ढेबरा। ओके आज हम बनाने वाले पालक बाजरी का ढेबरा बनाने वाले, चलिए हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं हम पालक बाजरी का ढेबरा। बनाना है तो पहले तुमको पालक ही चाहिए, तो चलिए मैं पालक लेकर आती हूँ। और हम पालक कटिंग करके आ गए हैं, बहुत बढ़िया है पालक का पान भी, और साथ में हम अजवाइन के पान भी डालेंगे थोड़ा सा। अजवाइन बाजरी का आटा ले लिया है, उसमें हम सारे मसाले डालेंगे, पहले तो हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम और हल्दी और धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, गरम मसाला और इसमें तिल भी डालेंगे हम, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, सारा मसाला डाला इसलिए। और बाद में इसमें हम पालक डालेंगे और साथ में अजवाइन का पान भी है इसलिए हमने अजवाइन नहीं डाली है इसमें, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
और इसमें से हम एक एक ही थेपला का आटा लेते जाएंगे और हम एक एक थेपले बनाते जाएंगे। और यहाँ एक थेपला का आटा मम्मी ने लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते जाएंगे और मोलते जाएंगे। जैसे ही बाजरा का हमने रोटला बनाते ऐसे ही बनाने, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और मसलते जाना है, तभी अच्छा थेपला बनता है। आप सब देखिए इस तरह से मसलना है। वापस थोड़ा सा पानी लिया है और वापस मसलते हैं। और बहुत बड़ा टेस्ट आता है नहीं मम्मी? हाँ, पालक नहीं अजमाने के। और मम्मी ने लोवा ले लिया है और इस तरह से राउंड एंड राउंड करना है। वापस पानी लेना है थोड़ा सा और वापस चिपना है। और इस तरह से बाजरा का थेपला रेडी होता है। धीमी आंच पे फ्राई करना है। फर्ती साइड में तेल डालते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। हमारे मम्मी कारीगर है। और वापस दूसरी साइड तेल डालना है। और यहाँ पे मम्मी थेपला पर थेपला फ्राई कर रहे हैं। मैं दो बनाया बनाना पड़ा नहीं। और यहाँ पे चाय बन रही है पापा के लिए। पापा को चाय अच्छी लगती है थेपले के साथ, इसलिए मम्मी ने थेपला बना लिया है। तो मैं भगवान का थाल रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने भगवान का थाल मस्त रेडी कर दिया है। बाजरे का थेपला है और साथ में मस्त ठंडा दही है और चिवड़ा की चीरू है। तो चलो मैं भगवान को थाल कराती हूँ। बोलिए तुम्हारा फेवरेट वस्तु से पालक फूटला से के अला पालक भेटला से बाजरा ना चलो बाजरा ये तो हमारा फेवरेट वस्तु से। और यहाँ पे सब लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। पापा क्या लगे तुम्हें थेपला? वो मस्त लगे से आवा क्या खाता नहीं थे है ना आमा वस्तु हो ना किसी को मेरी से मजमान पान ने पालक ने खाल सुपर से टेस्ट बहुत सुपर है हाई क्लास। मम्मी तुमने बहुत मस्त है। क्या बहुत मस्त है सुपर है रत्न। और विश्व तुमने मस्त बिना है मस्त बिना ओके। और यहाँ पे सब लोग खाने के लिए बैठ गए और सबको थेपला बहुत बढ़िया लगा है। चलो मैं भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी इसलिए। और चलो वीडियो का अहिंग करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।